सो हे गाइज, अक्सर हम लोग अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं कि मैं मन ही मन में सोच रहा था, मैं मन ही मन में पढ़ रहा था, वह मन ही मन में मुझसे नाराज था, वह मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाने के लिए इनवर्डली का यूज करते हैं। इनवर्डली का हिंदी में अर्थ होता है मन ही मन में, या कुछ लोग इस तरह भी बोलते हैं अंदर ही अंदर। तो चलिए इसे बनाने का रूल समझ लेते हैं। तो इसका रूल है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद से लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से लिखेंगे इनवर्डली, तो उसके बाद से लिखेंगे मेन वर्ब, तो उसके बाद से लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं मन ही मन में सोच रहा था। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, आई वॉज इनवर्डली थिंकिंग, आई वॉज इनवर्डली थिंकिंग। वह मन ही मन में पढ़ रहा है, ही इज इनवर्डली रीडिंग, ही इज इनवर्डली रीडिंग। वह मन ही मन में मुझसे गुस्सा था, ही वॉज इनवर्डली एंग्री विथ मी, ही वॉज इनवर्डली एंग्री विथ मी। वह मन ही मन में रो रहा था, ही वॉज इनवर्डली क्राइंग, ही वॉज इनवर्डली क्राइंग। वह मन ही मन में दुखी था। यह सवाल आपके लिए है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।